यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हर एक आदमी अर्निंग करना चाहता है। कोई यहां पर टेक के माध्यम से अर्निंग करना चाहता है तो कोई यहां पर मनोरंजनदायक चीज़ें डालकर अर्निंग करना चाहता है। बहुत से लोग आजकल मूवीज़ डालकर यूट्यूब पर अर्निंग करना चाहते हैं, लेकिन वह इस कार्य को अंजाम नहीं दे पाते क्योंकि उनकी वीडियोज़ पर कॉपीराइट पड़ जाता है, क्योंकि वह बिना कुछ सोचे ही यूट्यूब से ऐसे ही मूवी डाउनलोड करके सीधे अपलोड कर देते हैं जो कि कॉपीराइट का क्लेम बन सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप यूट्यूब से ही किसी अनकॉपीराइटेड मूवी को डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विशाल कुशवाहा और आप हैं मेरे चैनल लर्निंग बाबा पे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने होम पेज पे आ जाना है। होम पेज के आने के बाद आपको अपना क्रोम ब्राउज़र या कोई अन्य ब्राउज़र खोल लेना है। मैं यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउज़र खोलने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लिया। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद आपको होम पे आ जाना है। यहाँ पे मेरा कुछ खुल रखा है। देन आपको यूट्यूब पर जाना है। यूट्यूब पर जाने के बाद आपको एक पीसी यूट्यूब दिखेगा। अगर आपको पीसी यूट्यूब नहीं दिखता है तो आपको यहाँ पर थ्री डॉट दिख रहे होंगे, जिन पर क्लिक करके आप ये पीसी यूट्यूब खोल सकते हैं। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट दिख रहा होगा। अगर आपके मोबाइल में ऐसा पीसी यूट्यूब नहीं खुला है तो आप इस डेस्कटॉप साइट को राइट कर लीजिएगा। अगर आप इस डेस्कटॉप साइट को राइट नहीं करते हैं तो आपका पीसी नहीं दिखाई देगा। मैंने देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को राइट कर लिया है। एक बार मैं आपको पूरा इंटरफेस दिखा देता हूँ। एक बार ये देखिए, अब आप देखिएगा जैसे आपके एंड्रॉयड मोबाइल में ये हमेशा यूट्यूब खुलता है, वैसे ही अभी यहाँ पे भी खुलेगा जब तक हम डेस्कटॉप साइट को ओपन नहीं करते हैं। यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा स्लो है, इस वजह से टाइम लग रहा है, कुछ ही मिनट में खुलने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा ही आपके मोबाइल में कुछ शो हो रहा होगा। अब आपको अगर इसे पीसी में देखना है तो आपको यहाँ से करना होगा। पीसी में जाके आपको डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जैसे आपके मोबाइल में दिख रहा होगा उस वक्त बिल्कुल वैसे ही मेरे मोबाइल में दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर पीसी वाला खोलना है, जिसके लिए आपको यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ डेस्कटॉप साइट पर राइट कर देना है। डेस्कटॉप साइट पर राइट करने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस खुलेगा वैसा इंटरफेस बिल्कुल के बिल्कुल पीसी यानी कि किसी लैपटॉप में खुलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पीसी वाला यूट्यूब खोल लेना है। देन मैं आपको अभी बताऊँगा कि आपको क्या करना है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा सर। अब यहाँ पे आपको पीसी के लिए खुल गया। आप बैक करोगे तो आपका पीसी वाला ही खुल जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख रहे हैं आप। तो फ्रेंड्स, अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे मेरा पीसी वाला खुल गया है। अब यहाँ पर आपको ऊपर सर्च पे जाना है। अब आपको जो भी चाहिए, जैसे कि आपको मूवीज़ चाहिए थी अपने चैनल पे अपलोड करने के लिए, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ न्यू मूवीज़। न्यू मूवीज़ सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। न्यू मूवीज़ 2020, न्यू मूवीज़ 2019, न्यू मूवीज़ 2000 हिंदी बॉलीवुड HD। तो मैं HD वाला क्लिक करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ मुझे दिखने लगी। देन उसके आपको इनमें से कोई भी मूवी चूज़ नहीं करनी है, वरना आपके मोबाइल पर कॉपीराइट क्लेम पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको करना है, यहाँ पे आपको फ़िल्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, फ़िल्टर का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आप देखिए फीचर्स के नीचे आपको दिख रहा होगा क्रिएटिव कॉमन्स। क्रिएटिव कॉमन्स पे आपको क्लिक करना है। देन आप ये इस प्रकार की कुछ मूवीज़ देखेंगे। देखिएगा ये सारी मूवीज़ हैं, इनमें से आप कोई सी भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पहले वाले क्लिक करता हूँ। मैं आपको दिखा दूंगा कि आप इन्हें डाउनलोड क्यों कर सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि आप इन्हें डाउनलोड क्यों कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे इसके नीचे का इंटरफेस देखना है आपको। दिखा देता हूँ आपको शो मोर पे। देखिए
यहाँ पर लिखा हुआ क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूट लाइसेंस रीयूज अलाउड, जिसका मतलब है कि आप इस वीडियो को अपनी वीडियो के लिए रीयूज कर सकते हैं, यानी दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को डाउनलोड करना भी उतना इजी नहीं है। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग होते हैं जिनके मोबाइल में डाउनलोड का ऑप्शन तो आता है लेकिन वीडियो डाउनलोड नहीं होती, इसलिए मैं आपको एक अनोखा तरीका बताता हूँ जिसके द्वारा आप YouTube से वीडियो सीधे अपने SD कार्ड या मोबाइल के स्टोरेज में डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऊपर जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा youtube.com/watch, आपको सिंपली इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका ये पूरा ब्लैंक हो जाएगा, लेकिन नीचे आपका न्यू साउथ लव के नीचे ये वाले जो आ रही है हेडलाइन आ रही है, आपको इसे पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपकी पूरी लिंक ऊपर कॉपी हो जाएगी। अब आपको सिंपली यहाँ पे आना है जहाँ पर हिप्स वेब लिखा हुआ है, आपको इस वेब यानी www को काट देना है। देखिए, मैंने यहाँ पर इसे काट दिया। अब यहाँ पर आपको लिखना है SS। जैसे ही आप SS लिखोगे ये आपको डॉट भी काट देना है, वरना डॉट ये दिक्कत करेगा आपको। मैं इस डॉट को काट देता हूँ, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ये देखिए। अब जैसे ही आप इसे काटोगे आपके सामने नीचे इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा आपको, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको SS का मतलब बता देना चाहूँगा। SS का मतलब है सेव फ्रॉम .net। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको YouTube से वीडियोस प्रोवाइड करवाती है डाउनलोड करने के लिए, फिर वो चाहे क्रिएटिव कॉमन्स की हो, VR 180 की हो या किसी और प्रकार की हो। ये वेबसाइट खुल रही है, यहाँ पे मेरा नेट स्लो है इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैसे फ्रेंड देख रहे होंगे आपके सामने एक वेबसाइट खुल गई है जिसका नाम है सेव फ्रॉम .net। अब आपके सामने ये मूवी दिखाएगा, वो मूवी जो आपको डाउनलोड करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, देखिए यहाँ पे हो गया। यहाँ पे लिख के आ रहा है डाउनलोड MP4 360। ये वीडियो आपको MP4 360 में ही मिल सकती है, क्योंकि इसके डालने वाला जो इंसान है या फिर यूट्यूबर है, उसने इसको लो क्वालिटी में यानी MP4 360 से नीची क्वालिटी में ही डाला है, जिसके दौरान आप इसे MP4 360 में ही डाउनलोड कर सकते हैं, इससे ऊपर की हाई क्वालिटी में से डाउनलोड नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इससे ऊपर की भी क्वालिटी की वीडियो चाहिए तो आप दूसरी वीडियो चूज़ कीजिए जो कि आपको 720 पिक्सल या 1080 पिक्सल में मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अभी तो हम इसी को डाउनलोड करके आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं अभी इसी को डाउनलोड करूँगा, लेकिन आपके लिए ज़्यादा प्रेफर करेगा कि आप 720 पिक्सल वाली मूवीज़ डाउनलोड करें, क्योंकि वह मूवीज़ बिल्कुल ही HD होती हैं जो कि आपके यूट्यूब चैनल की जो सब्सक्राइबर हैं उनको इंक्रीज़ कर सकती है। तो फ्रेंड्स, अभी तो मैं इस वीडियो को ही डाउनलोड करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मेरी ये खुल रही है, अब देखिए यहाँ पर मूवी डाउनलोड होना मेरी शुरू हो गई है। अब मैं आपको दिखा दूँगा कि वो मूवीज़ कहाँ पे। आपको यहाँ पे जस्ट सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड्स पे आ जाना है। ये देखिए यहाँ पे मूवी डाउनलोड हो रही है, न्यू रिलीज साउथ हिंदी डब मूवी। तो फ्रेंड्स, आपको दिख ही रहा होगा कि आप यहाँ पे मूवी डाउनलोड हो रही है, जो कि मैंने डाउनलोड करी है सेव फ्रॉम .net से, एक ऐसी वेबसाइट जो हमें वीडियोस प्रोवाइड करवाती है अनकॉपीराइटेड या नॉन कॉपीराइटेड। इन वीडियोस को हम डाउनलोड कर सकते हैं और अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक और जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप इन वीडियो से केवल और केवल अपने सब्सक्राइबर ही इंक्रीज कर सकते हैं। आप इन वीडियो से कोई अर्निंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये वीडियोस की जो अर्निंग होगी, जो आपको अर्निंग मिलेगी, वो अर्निंग आपको ना मिलकर उसको मिलेगी जिसकी ये वीडियो रियल में होगी, यानी इस वीडियो के रियल निर्माता या किसी इंडस्ट्री जिसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है या बनाया है, प्रोड्यूस किया है, उसको जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। इन वीडियो से केवल और केवल आप सब्सक्राइबर हासिल कर सकते हैं, जिसके बाद आप इन मूवीज़ को सब्सक्राइबर हासिल करने के बाद अपनी कोई टैग या अपनी कोई अलग से वीडियो, खुद की वीडियो बनाकर आप अर्निंग कर सकते हैं। आप इन वीडियो से कोई अर्निंग नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। हाँ, हालांकि आप इनसे अपने सब्सक्राइबर इंक्रीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो अंत तक देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।